टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज के फटाफट खबरों। मुंब्रा के गुलाब पार्क मार्केट के पास हबीबा इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर अवैध रूप से बनाए गए 14 गालों पर आज ठाणे महानगर पालिका ने कार्रवाई कर इसे तोड़ दिया। मुंब्रा के फायर ब्रिगेड के पास तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा अचानक पलट गया। इस दौरान ऑटो में 3 लोग सवार थे। राहगीरों ने ऑटो रिक्शा सीधा किया और इस ऑटो रिक्शा में सवार एक बुजुर्ग को मामूली रूप से चोट लगी। ठाणे के घोड़बंदर रोड पर एक स्विफ्ट कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार की टक्कर एक पेड़ से होने के बाद कार पलट गई। कार में सवार लोगों को किसी को भी चोट नहीं लगी। बाटला हाउस इनकाउंटर केस में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिफ खान को दिल्ली की पटियाला हाई कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। 8 मार्च को कोर्ट ने आरिफ को पुलिस पर फायरिंग का दोषी पाया था। इनकाउंटर में पुलिस टीम के चीफ इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा पर आरिफ ने फायरिंग की थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में लड़कियों के अंडर गारमेंट चुराने का मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक रस्सी पर सूख रहे लड़की की अंडरगारमेंट चोरी करता है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस में की है। लोगों को इस पर तंत्र मंत्र का शक है। राजस्थान के टोंक जिले में कुछ दिन पहले मां बेटी को निर्वस्त्र करके पीटा गया था और पीटने वाली भी महिलाएं थी, मगर कुछ पुरुष खड़े होकर इस हरकत के लिए महिलाओं को उकसा रहे थे और एक पुरुष ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 17 साल के नाबालिग लड़के को 2000 रुपये के लेन देन के मामले में पहले लड़के को किडनैप किया गया, उसके बाद उसकी बेरहमी से पिटाई की गई और ज़बरदस्ती सिगरेट पिलाया गया। मुंह से उसे जूते साफ कराए गए और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार है। श्रीलंका की सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनने पर पाबंदी लगा दी है और साथ ही इस्लामिक स्कूलों को भी प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। सरकार के एक मंत्री ने बताया है कि बुर्का और 1000 से ज़्यादा अधिक इस्लामिक स्कूलों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। म्यांमार की सेना और प्रदर्शनकारियों में खूनी जंग जारी है। तख्तापलट के बाद विरोध हो रहा है। म्यांमार की जनता का कहना है कि म्यांमार की सेना का समर्थन चीन कर रहा है। करीब 1.5 महीने से म्यांमार में प्रदर्शन जारी है। रविवार को हिंसक प्रदर्शन के दौरान सेना ने 70 प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। लंदन में एक महिला की अपहरण और उसके बाद उसकी हत्या, इस मामले में हजारों लोग सड़क पर उतर आए और 33 साल की सारा एडवर्ड को श्रद्धांजलि दी। 3 मार्च को एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली सारा की रास्ते में ही अपहरण कर लिया गया था और कुछ दिन बाद सारा की लाश लंदन शहर से 80 किलोमीटर दूर मिली थी। आरोप लंदन पुलिस विभाग में काम कर रहे एक कांस्टेबल पर लग रहा है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।